जी मेरा नाम मोहम्मद सरबुल आलम। कहाँ से आए आप हजरत? जी पलसवाड़ी से। क्यों आए यहाँ, क्या वजह आने की आपकी? यहाँ वजह यही है कि अख्तरुल इमाम का जो मतलब मीटिंग हुआ उसमें से हमारे सिकंदर आजम उर्फ दारा साहब के अध्यक्षता में हुआ। हाँ, उन्हीं प्रोग्राम के लिए आए और बाकी वोट भी हम लोग देंगे और सब कोई मिलजुल करके और बस इसी में। इस बार 2020 में विधानसभा होने वाली है और इस विधानसभा में देख रहे हैं कि बहुत सारे चेहरा हैं, तो आप किन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र अमौर से? जी अभी हम लोग तो अख्तरुल इमाम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह आपको सपोर्ट करने की अख्तर साहब को? वजह ये है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट की कमी है, बाकी बहुत सारे चीज़ की कमी है और हम लोग वोट दिए भी और एक कैंडिडेट को रखे 35 साल, लेकिन निगाह में नहीं आया कि मतलब वो काम कर पाए और इसीलिए हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग का काम करे और बेहतर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और काम करने लगे। बहुत 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 धन्यवाद। एक ही आवाज़ है विकास, यहाँ पर विकास जो है एक तकिया कलाम बन के रह गया है और विकास चाहिए भी, ज़रूरी भी है कि यहाँ पर विकास हो। आगे बात करते हैं हजरत से। जी आपका नाम? एमडी मंसूर आलम। कहाँ से आए आप? हम बैसा प्रखंड से कोचगर गांव से, ग्राम मुगरापिया जी। अच्छा, इस बार विधानसभा में अमोर विधानसभा के लिए क्या सोचे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए हम लोग तो बरसों से देखे, अब हम लोग नई चेहरा, नई विकास, नई भारत का जो सपना है, तो हम लोग नया अमोर विधानसभा का सपना है। किसी को हमने 35 साल दिए, किसी को 15 साल दिए, हमारे यहाँ कोई भलाई, कोई विकास, न कोई स्कूल हुआ, न हॉस्पिटल हुआ, न शिक्षा हुआ, इस इलाका सबसे बदतर ही बदतर रह गया। इसलिए हम लोग इस बार सोचे हैं कि MIM के उम्मीदवार अख्तरुल इमाम को वोट देकर हम अपनी विकास का हक लें, यहाँ का या बिहार की फायदा लें, हमारा अमोर विधानसभा का जो भलाई हो, यहाँ की फ्यूचर की भलाई हो, हमारे आने वाले नस्ल की भलाई हो। बहुत अच्छी बात सर, तब्दीली चाहिए और इनको भी अख्तर साहब ही चाहिए। आइए आगे बात करते हैं जनाब से। जी आपका नाम? मोहम्मद ममनून आलम। कहाँ से हैं आप? आसजा। क्या वजह है आपके आने की? अख्तर साहब के जो मीटिंग था उसका, मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, उसका विधानसभा का इलेक्शन लड़ेगा अमोर बैसा, उसको चुने हैं हम लोग। यहाँ पे तो और भी बहुत सारे दीगर उम्मीदवार हैं, लेकिन आप अख्तर साहब को ही क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो है, वो लायक विकास कराने वाला और गरीबों का देखभाल, और हमारे इधर कटान उटान हो रहा है, बहुत हम लोग परेशान हैं, वो सब में हम लोग आगे। जी जी जी, अभी देख भी रहे नाज़रीन, आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर दुस्मल पंचायत में एक गांव है, गांव का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, खगजना पे है, लेकिन एक कटाव हो रही है। वो कौन से गांव था कटाव हो रहा था? जी आसजा में कटाव हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे घर जो कट गए हैं, बह गए हैं, लेकिन हमारे जो मौजूद विधायक हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। आइए और भी लोगों से पता कर रहे हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद असगर अली। कहाँ से हैं आप? जी मेरा घर तो खगजना ही है। अच्छा, खगजना है जी। इस बार विधानसभा इलेक्शन में क्या सोचे हैं आप, किसको चुनावी में किसको चुनना चाह रहे हैं आप? सर हम तो इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 15 साल तक हम एक जिताते जिताते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया इधर, न कोई सड़क हुआ है, न कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं है। मिर्चान टोला में और बहुत सारी जगह पे कटान भी है, मस्जिदें कट रही है, लेकिन किसी नेता का मतलब नज़र नहीं है उधर। अच्छा, क्या आपका जो अभी कार्यरत विधायक हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब, वो आपके एरिया में आए देखने के लिए, आपकी मजबूरी को, आप जो कट रहे हैं, डूब रहे हैं, क्या वो आए आपको? सर अभी तो खैर फिलहाल तो नज़र नहीं आए हैं, लेकिन पहले भी, इससे पहले 2017 में बाढ़ आया था, उस टाइम भी नहीं आए थे। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम कारी आसिफ चौधरी। कहाँ से हैं आप? हम जो है चंदल पंचायत से है। क्या वजह है आपको यहाँ आने के लिए? हम लोग जो है तन व मन से जो है MIM को सपोर्ट करते हैं और उसको हम लोग जो है वोट दे करके कामयाबी करना है, और हम लोग का यही हमारा कहना है कि सब कुछ जो है MIM पार्टी को जो है मजबूत के साथ कामयाब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे और बात करोगे, यहाँ पे पता करते हैं ये लोग का क्या रुझान है, ये लोग क्या चाहते हैं। जी आइए बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमारे देख रहे हैं आलिम दीन भी मौजूद है, तो कुछ जानना चाहेंगे मौलाना से। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहाँ। कहाँ से हैं? मैं पश्चिमी सहारिया से हूँ। क्यों आए, क्या वजह यहाँ आने की आपकी?
मैं अख्तर रहमान साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि हमारे लिए काम करे वो और अख्तर रहमान साहब को जिता करके भारी मतों से कामयाब बनाए।